नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली की तार नहीं पहुंची है, या कई ऐसे भी गांव हैं और शहर हैं जहां बिजली तो है लेकिन कब आपके सिर के ऊपर घूम रहा पंखा बंद हो जाए और कब ये दोबारा शुरू हो ये कह नहीं सकते। हालांकि आज और कुछ साल पहले बिहार में मिल रही बिजली की सुविधा में जमीन आसमान का फर्क जरूर है। कुछ जगहों पर बिजली को लेकर समस्याएं जरूर है लेकिन आने वाले दिनों में वो भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बिहार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बिहार ने दो जिलों में अनोखा सोलर प्लांट का काम शुरू कर दिया है। इसे हम अनोखा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पानी के ऊपर सोलर प्लांट तैरता रहेगा और बिजली का उत्पादन करता रहेगा, जिसके तहत ही बिहार सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बिहार में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बिहार अग्रसर है। राज्य के दो जिलों में अनोखा सोलर प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि बिहार में फ्लोटिंग प्लांट पानी में सोलर प्लांट तैरता रहेगा और बिजली का उत्पादन होता रहेगा। इसके साथ ही सोलर प्लांट खुद से कूलिंग भी करता रहेगा। ज्यादा गर्म होने पर यह पानी से खुद से ठंडा भी होता रहेगा। फिलहाल यह बिहार के दो जिले दरभंगा और सुपौल में निर्माणाधीन है, जिसके तहत जल्द ही बिहार के दोनों जिलों में पानी में तैरता हुआ पावर सोलर प्लांट दरभंगा और सुपौल में लगाया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां तालाब या पोखर है उसी के ऊपर एक तैरता सोलर प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में बिहार समेत अन्य राज्यों में कोयले की कमी की जानकारी निकल करके सामने आई थी। वहीं इस नई व्यवस्था के शुरू हो जाने से सरकार सोलर बिजली पर काम करके आगे बढ़ रही है। आमतौर पर देखें तो जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए अमूमन 4 से 5 एकड़ जमीन लगती है, जबकि बिजली कंपनी 10 एकड़ के तालाब पर इसका निर्माण कर रही है। बता दें कि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस परियोजना पर काम कर रही है और बिहार सरकार से एग्रीमेंट है कि 25 साल तक बिहार सरकार को प्रति यूनिट 4.15 रुपए बिजली खरीदेगी। जानकारों की माने तो दरभंगा में जो सोलर पावर प्लांट लग रहा है उसकी क्षमता 1.6 मेगावाट होगी और यह पावर प्लांट बिजली घर के ग्रिड से कनेक्ट होगा, जहां से उत्पादित बिजली ग्रिड से होते हुए सीधे उपभोक्ता के घरों तक पहुंचेगी। इसको लेकर ब्रेडा डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि सोलर प्लांट को लगाने में प्रति मेगावाट 5.30 करोड़ खर्च पड़ता है। दरभंगा शहर में जो सोलर प्लांट लग रहा है वो 1.6 मेगावाट का प्लांट है और जो सुपौल जिले में सोलर प्लांट लग रहा है वो 525 किलोवाट का है। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्लांट के तैयार होने के बाद कई लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे। सोलर पावर प्लांट इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है और इससे काफी कुछ फायदा होगा, जैसे कि इसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं है। यह तालाब या पोखर के ऊपर तैरता हुआ पावर हाउस है। पानी के ऊपर सोलर प्लांट लगाने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो पानी के वाइब्रेशन से पानी की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, कभी कभी सोलर प्लांट काफी ज्यादा हीट हो जाता है, ऐसी स्थिति में नीचे पानी होने से वो स्वतः कूलिंग करता रहेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।